तरह से कंफर्टेबल करें, रिलैक्स करें। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें और तीन गहरी सांस अपनी रिदम से लें और छोड़ें। पहली सांस अंदर, डीप ब्रीदिंग इन, इन इन इन, होल्ड एंड स्लोली आउट, रिलैक्सिंग योर होल बॉडी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक बार फिर एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपने शरीर को ढीला पड़ जाने दें, विश्राम करने दें। मन ही मन अपने शरीर का अवलोकन करें या स्कैन करें कि आपके शरीर में कहां तनाव मौजूद है। मेंटली स्कैन योर बॉडी फॉर एनी पॉकेट ऑफ स्ट्रेस और टेंशन। जो जो आप अपनी चेतना उस स्ट्रेस पे ले जाते हैं, आपका शरीर ढीला पड़ने लगता है, तनाव की गांठें खुलने लगी हैं। अपने पूरे शरीर के साक्षी बन जाएं, जहां कहीं भी तनाव मौजूद है आप वहां अपनी चेतना को ले जाएं। ये कंधा हो सकता है, ये आपके कूल्हे हो सकते हैं, या ये आपका गर्दन या सिर का हिस्सा हो सकता है। अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर के ऊपर लगाएं और अब धीरे धीरे आपका शरीर और शिथिल होने लगा है, ढीला पड़ने लगा है। सिर से लेकर पैर की कोशिकाएं बिल्कुल विश्राम में जा रही हैं। एंड योर माइंड इज गोइंग इन अ पीसफुल, काम एंड रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जस्ट डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। फिर से शरीर पे अपनी चेतना को रखें और उसके साथ साथ अपने सांसों के भी साक्षी बन जाएं। सांसों की गति को परिवर्तित नहीं करना है, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, जस्ट बी अ विटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग without altering them। अब आप ये देखें कि आज आपके साथ अच्छा क्या हुआ। तीन ऐसी घटनाओं को याद करें जो कि आपके साथ अच्छी हुई। ये हो सकता है कि आपको आपकी सैलरी मिल गई, या ये हो सकता है कि बॉस ने आपको एप्रिशिएट किया, या फिर आप एग्जाम में पास हो गए, या फिर आपकी किसी रिलेटिव से
आकस्मिक मुलाकात हो गई, कोई भी छोटी बड़ी घटना हो, आज 3 या 4 उन घटनाओं को याद करें जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे या जिसको आप एक अच्छी घटना कहना चाहेंगे। देखें और जो जो आप उन घटनाओं पर अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं, आपका हार्ट एक्सपैंड करने लगा है, आपके अंदर अच्छी संवेदनाएं, अच्छी फीलिंग्स पैदा होने लगी हैं। जस्ट एंजॉय दिस सेंसेशन। अब आप ये देखें कि आज ऐसा क्या हुआ जो कि आपके साथ बुरा हुआ। क्या किसी ने आपको हर्ट किया या किसी ने आपकी अपेक्षा के विपरीत कोई कार्य किया? उनकी शक्ल को अपनी आंखों के सामने लाएं और दिल से उनको माफ कर दें। ये जिम्मेदार नहीं है। जितना ज्ञान इनके पास है और जितना अनुभव इनके पास है, उसके हिसाब से इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। हर कोई अपनी चेतना के स्तर से ही कार्य करता है। एक चींटी दीवार पे तो चढ़ सकती है, लेकिन पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती। बस इन बातों को स्मरण रखते हुए आप इन लोगों को या इन घटनाओं को क्षमा कर दें। इसलिए नहीं क्योंकि ये क्षमा के पात्र हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के पात्र हैं। हाँ, हो सकता है तुमने मेरे साथ बुरा किया या मेरी अपेक्षा के विपरीत कोई कार्य किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं। मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं। और अब आप पूर्ण शांति में हैं और इन एफर्मेशंस को मेरे साथ साथ दोहराएं। अब मैं एक गहरी नींद में जाने वाला हूं और इस नींद में मेरी एक एक कोशिका, शरीर का रेशा रेशा फिर से शक्तिवान और ऊर्जावान हो जाएगा। इस गहरी नींद में मेरे शरीर का कण कण शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरी पूरी शक्तियां फिर से चार्ज हो जाएंगी और मैं अगले दिन अपनी शक्ति के 2 गुना ज्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा। मेरे अंदर एक प्रेम का समंदर है। कल से चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराकर आनंद में ही जवाब दूंगा। मैं अपने कार्य में दक्ष बन रहा हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अब आप ये देखें कि कल क्या अर्जेंट काम है जो कि आपको करने हैं। सिर्फ उन 3 कामों की सूची बनाएं। ये कुछ भी हो सकते हैं। किसी को कोई ईमेल लिखना, कोई किताब पढ़ना, कोई वीडियो बनाना, कोई ऑपरेशन करना, जो कि आपकी प्रायोरिटी हो, इसको आप आज ही अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट कर दें, ताकि कल उस काम को टालने की कोई वजह ना मिले। फाइंड 3 अर्जेंट थिंग्स विच यू वॉन्ट टू डू टुमारो ऑन
प्रायोरिटी बेसिस। लेट्स गेट इट इम्प्रिंटेड इन योर सबकॉन्शियस राइट हेयर एंड राइट नाउ। और अब आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, तुमने आज का मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा शरीर स्वस्थ है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे आज भोजन मिला, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मालिक, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे गॉड। थैंक यू गॉड।